वेलकम बैक इन अवर न्यू ब्लॉग, और फिर से आपका दोस्त सहेल आज भी आपके साथ है। और जैसा कि मैंने स्टोरी लगाया था इंस्टाग्राम पे कि अभी हम लोग क्या करने वाले, एक नया एपिसोड स्टार्ट करने वाले, सीरीज स्टार्ट करने वाले कि जो भी मुजफ्फरपुर में बेहतरीन टाइप के स्टॉल लगते हैं, स्ट्रीट फूड आइटम है ना, उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। सो ये फर्स्ट स्ट्रीट फूड कवर होगा। इससे पहले आपने बहुत सारे कैफे रेस्टोरेंट का आपने देखा होगा, चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं, एक सीरीज़ के तौर पे बना रहे हैं कि जो भी बेस्ट फूड आइटम होगा ना, जो कि स्टॉल लगाते हैं इस तरीके से, ठेले वगैरह लगाते हैं, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। सो आज हम पहुँच गए हैं शाही लिट्टी चोखा, और हम लोग बिहारी हैं, और बिहार के जो फेमस डिश है ना, उसको कैसे भूला जा सकता है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं लिट्टी चोखा से ही, और आप पीछे आप स्टॉल देख सकते हैं शाही लिट्टी चोखा। और यहाँ पे मैं अभी दो तीन दिन पहले ही आया था, और यहाँ के जो टेस्ट है ना, मुझे काफ़ी कमाल का लगा। दैट्स वाई मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि एक बेहतरीन सा अगर लिट्टी चोखा आप ट्राई करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बात करते हैं लोकेशन की, तो क्लब रोड में आते हैं, क्लब रोड में ऑडिटोरियम से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे ना पानी टंकी चौक की तरफ में, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही आपको शाही लिट्टी चोखा दिख जाएगा। ये कमाल का है, और इनकी जो मेकिंग प्रोसेस है ना, बिल्कुल देसी स्टाइल में, और पूरी घर वाली आपको फीलिंग आने वाली है। तो बाकी सारी जो डिटेलिंग है आप फुटेज जैसे देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि जैसे ही शाम होती है, इनका जैसे ही स्टॉल स्टार्ट होता है, भीड़ लग जाती है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं भी जब यहाँ पे आया था ना, मुझे आधे घंटे वेट करने पड़े थे अपने टाइम आने का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो अभी लोगों से बातचीत भी करेंगे कि यहाँ पे आने के बाद उनको जो टेस्ट है वो कैसा लगता है, और यहीं से दिखाते मेकिंग प्रोसेस वगैरह। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्योर एकदम देसी स्टाइल में चारकोल का इस्तेमाल करके आग जलाया जाता है, और इस तरीके से आग पे सेक करके दिया जाता है, यानी किसी भी तरीके की कोई भी मिलावटी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आटे आप देख सकते हैं बिल्कुल प्योर आटा है, कोई मैदे का इस्तेमाल नहीं है, और इसमें जो फीलिंग जो डाली गई है ये प्योर चने का सत्तू होता है, और बटर में बढ़िया से टिप करके देते हैं। और मतलब मेरा टुनटुन शाह नाम होगा। ओके, तो यहाँ पे किस तरीके से लिट्टी बनाते हैं, क्या कुछ इस्तेमाल करते हैं बनाने? ये इसमें आटा और आटा रहता है प्योर, और गर्म पानी गर्म दूध से सना जाता है, इससे सॉफ्ट होता है मेरा लिट्टी। और इसमें चने का सत्तू, जैसे जीरा, जमैन, मंगरेल, काली नमक, प्योर चने का सत्तू मिलेगा सर इसमें, जिसमें मसाले है अदरक लहसुन आदि का पेस्ट, गरम मसाला, जीरा, मरीच, जमैन, जाफर, यह सब डाला जाता है। काला सारी चीज़ें जी, काला नीमक नींबू, ये सब हेल्दी डाला जाता है सर। इसको दो चार खाइए, आपको पेट खराब होने का कोई सा अथी नहीं, प्योर हेल्दी फूड। प्राइस क्या रखा है आप? प्राइस 25 का दो रखे हुए हैं सर। और शादी पार्टी में अगर कोई बुलाना चाहे तो उसके लिए ऑर्डर वगैरह? उसके ऑर्डर लेते हैं सर, ऑल बिहार में। कितने सालों से ये लिट्टी वाला? ये सर हम बनाते हुए 25 साल से आ रहे हैं, 25 साल से लिट्टी बनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम 7 साल से लगा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ कस्टमर्स भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? महफूज। महफूज यहाँ पे हमेशा आते हैं या फिर कभी कभी आते हैं? अभी तो कुछ दिनों से आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा लग रहा है, मतलब टेस्ट कैसा लगता है? बहुत प्यारा टेस्ट। मतलब क्या कुछ कहना चाहिए इसमें जो फीलिंग डाली गई, या फिर जिस तरीके से मेकिंग प्रोसेस है उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? इसमें अंकल का प्यार है जो हम लोग को खींच के लाता है यहाँ पर। जब लोग आते हैं, मतलब जब भी आता है, मेरा दोस्त आता है, मुझे फ़ोन करता है कि भाई चलो आज आएंगे तो आज लिट्टी चोखा खाएंगे। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 10/10। 10 out of 10, क्या बात है। मतलब आप समझ सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेस्ट वाइज काफ़ी बेहतरीन है ना। गाइज मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 लिट्टी, और आप देख सकते हैं लिट्टी यहाँ पे जो दिया गया है पूरी तरीके से बटर में टिप करके देते हैं। साथ ही साथ इनका जो चोखा होता है वो आलू, बैंगन और टमाटर का बना होता है, और चटनी भी इन्होंने दिया है जो कि
बादाम और नारियल से बना हुआ है और सलाद भी इन्होंने दिया है। तो चलिए फाइनली अब इसको टेस्ट करते हैं। गाइस टेस्ट वाइज काफ़ी ऑसम है और फीलिंग जो इसके अंदर काफ़ी अच्छी फीलिंग डाली गई है। प्योर इसमें ना आटे का इस्तेमाल किया, कोई मैदे का इस्तेमाल नहीं किया गया और फीलिंग जो है इसके अंदर प्योर चने का सत्तू डाला गया। टेस्ट वाइज मैं बोलूँ A1 ग्रेट फैंटास्टिक। तो अगर आप बेहतरीन टेस्ट करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइप का लिट्टी चोखा खाना चाहते हैं, तो आप शाही लिट्टी में ज़रूर आइएगा। फिलहाल इसको ख़त्म करते हैं और फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। सो टेस्ट वाइज तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा स्पाइसी था और फीलिंग वगैरह जो है काफ़ी अच्छी से डाली गई, बटर में डिप करके दिया गया था जो कि काफ़ी बेहतरीन टेस्ट को काफ़ी बढ़ा दिया। प्योर देसी स्टाइल में आपको यहाँ पे लिट्टी चोखा खाने मिलेगा। अभी यहाँ पे दो पीस आपको जो लिट्टी मिलेंगे वो 25 रुपये के मिलेंगे और अगर शादी पार्टी पर अगर आप बुलाना चाहते हैं तो अंकल जी से आप कॉन्टैक्ट करेंगे। वैसे इनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा और वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के अगर आप चाहें तो आप ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं। सो ये था आज का फर्स्ट स्ट्रीट फूड ब्लॉग। पहले यहाँ पे आ चुके हैं तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और टेस्ट वाइज आपको कैसा लगा यहाँ पे सारा कुछ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बस ये है अंकल जी का कार्ड, इस पर कॉन्टैक्ट नंबर, वैसे मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं। सो फाइनली ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, इफ यू लाइक देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।